मेकअप करने का सही तरीका अगर आपको पता हो तो मेकअप कभी ना तो आपका काला होगा ना ग्रे होगा और ना ही पैचे जाएंगे और ना ही निकलेगा। एक दिन की बजाय 2 दिन चलेगा, आप कितने भी सस्ते प्रोडक्ट से मेकअप कर लें। लेकिन सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप और सही तरीके से करनी है। तो आज मैं इस वीडियो में यही सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको समझ में आए। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में यही लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो अभी आपने देखा। तो सबसे पहले जब भी आपको मेकअप करना हो, आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कुछ भी नहीं लगा हो आपके फेस पे। उसके बाद में सबसे पहले आपको लेना है टोनर या गुलाब जल, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का रोज वाटर लिया है और इसे अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लिया है। उसके बाद डैब डैब करके 30 से 40 सेकंड के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सीरम और मॉइस्चराइजर दोनों यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दोनों में से एक चीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो मैंने यूज किया है प्लम का नाइसिनामाइड सीरम, जो मेरी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है और ये मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चर भी रखेगी और हाइड्रेट रखेगा, इसलिए यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर स्किप करूंगी। अब उसके बाद यूज करना होता है हमें प्राइमर। प्राइमर मैंने लिया है ब्लू हेवन का, और प्राइमर की क्वांटिटी है इतनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। और प्राइमर हमें मसाज नहीं करना है, अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कितने हाथों से मैं अप्लाई कर रही हूँ। कहाँ पे अप्लाई करना होता है, जहां पे हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है। पसीना जहां ज्यादा आता है वहीं पे हमारे ओपन पोर्स होते हैं, और प्राइमर का काम होता है हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करना और एक फ्लॉलेस वेज देना मेकअप करने के लिए। अब उसके बाद यूज करना होता है हमें कलर करेक्टर। कलर करेक्शन करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कलर करेक्शन अगर हम अच्छे से करेंगे तो ना तो हमारा मेकअप काला होगा ना ग्रे होगा, और ना ही जैसे मेकअप करने के बाद कुछ देर बाद आपका मेकअप बहुत ही खराब दिखने लगता है, वो सारी चीजें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी स्किन टोन से एक टोन डार्क कंसीलर ली हूं, और जहां पे मेरी स्किन अनइवन लग रही है वहां पे मैंने इसे अपनी फिंगर से ही अप्लाई कर लिया है। और अगर आपकी स्किन अनइवन है तो आप ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं, और अगर जैसे आपके फेस पे मुहासे पिंपल्स वगैरह हैं तो ग्रीन यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप कंसीलर यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मेरे स्किन पे दाग धब्बे नहीं थे तो मैंने कंसीलर यूज किया है अपनी स्किन से डार्क एक टोन, और उसे अप्लाई करने के बाद अब आईब्रो फिल कर रही हूं। आईब्रो फिल करने के लिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी होती है, आपको मिडिल पार्ट से स्टार्ट करना है आउटर कॉर्नर की तरफ। जब आप मिडिल पार्ट से आउटर कॉर्नर की तरफ जाएंगे, इनर कॉर्नर साइड आते वक्त आपको प्रोडक्ट नहीं लेना है, जो ब्रश में लगा है वही अप्लाई कर लेना है। तब भी यहाँ पे मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा था तो मैंने एक एयरबड लिया और उससे निकाल दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही इजिली ये निकल जाता है, और यहाँ पे इतना ज्यादा प्रोडक्ट आ गया था एयरबड में। अब इससे आपकी आईब्रो फेक नहीं लगेगी। आईब्रो डिफाइन करने के लिए मैंने यूज किया स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और ये कंसीलर काफी अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, और इसे इस तरीके से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा, एक तो आपकी आईब्रो और भी ज्यादा खिलके आएगी और दूसरा आई बेस भी साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चीजें आपको ध्यान में रख के करनी है, क्योंकि आईब्रो फिल की है, आईब्रो के ऊपर ये प्रोडक्ट नहीं जाने चाहिए। इसे ब्लेंड करने के लिए एक मैंने मिनी ब्लेंडर का यूज किया, आप चाहे फिंगर टिप का भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है। और आई मेकअप बहुत ही इजी करूंगी, क्योंकि ये मेकअप लुक मैंने बिगिनर्स के लिए स्पेशली रखा है, तो आई मेकअप बहुत ज्यादा हैवी नहीं करेंगे और ये लुक हर किसी को पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं आई मेकअप मैंने कैसे किया। अब कंसीलर के बाद आई के ऊपर इसे सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कोई ग्रीस लाइन ना आए। तो इसे मैंने सेट करने के लिए फिडमी का फाउंडेशन लिया, कॉम्पैक्ट लिया है, और उसी से मैंने सेट कर लिया है और इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मैं पिंक कलर ले रही हूँ और एक ब्रश से ले रही हूँ, और ब्रश से उठाने के बाद एकदम से प्रेस आपको कभी भी नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है, बिल्कुल लाइट हाथों से बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पे आप प्रेस करेंगे वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाएंगे। और बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, बस सिर्फ आपको इस तरीके से मैंने ट्रांजेक्शन कलर में दिखाया कि पिंक कलर का यूज़ बिल्कुल लाइट हाथों से मैंने किया है। उसके बाद अब हमें जहाँ पे आईलाइनर हम लगाते हैं वहाँ पे मैं थोड़ा डार्क शेड ले लूँगी। आप चाहें तो कोई भी इसे स्किप करके कोई लाइनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लाइनर नहीं यूज़ करूँगी। तो मैंने अपना जो पिंक कलर यूज़ किया था उसका डार्क लिया और
वो डार्क कलर मैंने पहले अप्लाई किया, मुझे नहीं लगा कि इतना अच्छा कलर आ रहा है, तो मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो थोड़ा सा असमझ किया, उसके बाद फिर से पिंक कलर अप्लाई किया तो वो कलर आ गया जो मैं चाहती थी। और इसे एज ए आईलाइनर अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा असमझ करते हुए अप्लाई करना, ये लुक बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्का सा ग्लिटर अप्लाई कर लिया था। आई मेकअप मैं बहुत ही सिंपल रखी थी लेकिन बहुत ही प्यारा लगा था। और गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके अगर कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ग्लिटर दिखा रही हूँ मैं, कौन सा कलर यूज़ करूँगी यहाँ पे। आप लोगों से कहना चाहूंगी ये आई मेकअप आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और मुझे सच में जब मुझे लगता है ना कि मैं कोई हल्का आई मेकअप करूं तो ये मैं करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस यहीं पे आप क्या करें, मस्कारा लगा लें और आईलाइनर वगैरह भी नहीं लगाएंगे तब भी बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए अब हम बेस करते हैं, और बेस करने के लिए मैंने यूज़ किया था आज ब्लू हेवन का फाउंडेशन। आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का फाउंडेशन लिया था जो मैट फिनिश देता है, और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये मैंने ध्यान में रखा था। और थोड़ा सा मैंने ब्रॉबोन हाईलाइट किया हाइलाइटर लेके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे क्या होगा, आपकी एक तो आईब्रो बहुत ही अच्छी लगेगी और दूसरा आपका आई मेकअप और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, अगर आप ऑयली स्किन होंगे तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, अफोर्डेबल भी है सही भी है। तो मैंने इसे अच्छे से अपने फेस पे पहले डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश से मैंने अप्लाई किया है। अगर आप चाहते हैं आपके फाउंडेशन की कवरेज अच्छी आए तो आप ब्रश से ब्लेंड करें, अगर आप चाहते हैं आपकी ब्लेंडर की फिनिश आपके बेस की फिनिशिंग अच्छी आए तो आप ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेकअप में प्रो हो गए हैं तो आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई करें फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। ब्रश का यूज़ पहले नहीं करना है आपको, क्योंकि ब्लेंडर से अगर आप ब्लेंड करते हैं ना तो फाउंडेशन बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। और अगर आप बिगनर होंगे तो काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे शेयर हैं बिगनर्स के लिए, उसमें भी मैंने बहुत सारी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको अपना बेस दिखा रही थी, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, अपने बेस को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। यहाँ पर मैं देख रही थी बिल्कुल इधर उधर, तो कहीं थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था नोज के राउंड अभी थोड़ा सा पैची पैची से लग रहा है, तो मैंने पहले अच्छे से उसे ब्लेंड किया है। और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ, जब भी आप ब्लेंड करें तो आप कोशिश करें जहां पे आप ब्लेंड कर रहे हैं फाउंडेशन को वहां की स्किन टाइट होनी चाहिए। उसके बाद यहां पे मैं कंसीलर का यूज कर रही हूं जहां पे हमारे हाईलाइट पॉइंट होते हैं वहां पे, और इस तरीके से जहां जहां मुझे अप्लाई करना था मैंने कर लिया। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर लें या फिर छोटा ब्रश ले लें आप, और बहुत ही अच्छे से इसे आपको ब्लेंड करना है। और हाँ, ब्लेंड करते हुए यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई भी लाइन ना दिखे। जैसे आपने कंसीलर जहाँ पे लगाया वहाँ पे ब्लेंड तो करना है, लेकिन फाउंडेशन और कंसीलर के बीच में लाइन नहीं दिखनी चाहिए, वो एक दूसरे में मर्ज हो जाना चाहिए। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बहुत ही ईजिली ये ब्लेंड होता है ये कंसीलर। गाइस बहुत ही अच्छा है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो को आज फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, मैंने सोचा कोई बात नहीं वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जो भी वीडियो देखेगा उसे मेकअप करने का सही तरीका ज़रूर आएगा। और इस तरीके से आपको जब भी आप अपना बेस सेट करें तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको लूज पाउडर लेना है। अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप बहुत ज़्यादा पाउडरी न लगे, पैची न लगे, केकी न लगे, तो आपको अपने पहले पप में पाउडर को उठा लेना है, उसके बाद अपने हाथ के पीछे उसे पहले डस्ट आउट कर देना है, उसके बाद अप्लाई करना है। यहाँ पे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मैंने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सिर्फ आप टी जोन पे फोकस करें जहाँ पे आपको पसीना आता है। और इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है, अब यहाँ पे हम कंटूर करेंगे और ब्लश अप्लाई करेंगे। और ये जो पैलेट मैंने यूज़ किया ये स्विस ब्यूटी का, इसमें कंटूर भी है, ब्लश भी है और साथ के साथ हाइलाइटर भी है। कंटूर जब भी करें आपको इस तरीके से अपने फेस को कर लेना है, और बहुत ही लाइट मैं कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे कंटूर की ज़रूरत है वहाँ पे कर रही हूँ। इसके बाद नोज कंटूर करने के लिए मैं फिंगर का यूज़ करती हूँ, लेकिन आप ब्रश इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। कंटूर हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम फेस पे इतना ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा कलर लाना ज़रूरी होता है।
अब ब्लश को भी सेम वही करना है, आपको पहले ब्लश ब्रश पे लेना है, उसके बाद डस्ट आउट कर देना है। और आप चाहें अगर आपका फेस मेरी तरीके गोल है, आप चाह रहे हैं थोड़ा सा स्लिम दिखाने के लिए, तो मेरे तरीके सिर्फ बाहर बाहर साइड में आपको ब्लश अप्लाई करना है और थोड़ी स्माइल करके करनी है। अगर आपका फेस पतला है तो आप कोशिश करें जहां पे हंसने के बाद थोड़ा सा आपका फेस निकल के आ रहा है वहां पे आपको ब्लश अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया और ये ब्लश सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अब काजल के लिए मैं यहाँ पे ब्लू काजल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लैक काजल इस टाइम ख़त्म है और मैं कहीं गई नहीं और मैंने ऑर्डर भी नहीं डाला, तो इसलिए मैंने ब्लू काजल अप्लाई किया है। आप चाहें तो ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लू काजल भी बहुत ही प्यारा लुक दे गया था। उसके बाद सेम चीज़ें मैं वही करूँगी जो ऊपर किया है, अपर लैस लाइन के ऊपर, मतलब कि ब्लैक आई शैडो अप्लाई करूँगी, उसके बाद पिंक से उसे स्मच कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने पेंसिल ब्रश का यूज़ किया, आप चाहें तो कोई पतला ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मुझसे कुछ स्किप हो रहा होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ बताने की, लेकिन वीडियो में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है बताना। और अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे कंटिन्यू, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेकअप करने में एक अच्छे से मेकअप करना सिखा दूँ और आप अच्छे से प्रो हो जाए मेकअप करना। उसके बाद यहाँ पर मैंने मस्कारा के लिए मैबेलिन का मस्कारा यूज़ किया है, मैंने डबल कोट किया है थोड़ा सा हैवी दिखाने के लिए। और फिर मुझे लगा फेक लैसेस भी यूज़ कर लूँ, तो मैंने फेक लैसेस यूज़ कर लिया और लोअर लैस पे भी मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया। अब सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ, सेटिंग स्प्रे को आपको अपने हाथ को जहाँ तक जा रहा है उतनी दूरी पे करना है, उसके बाद अप्लाई करके एक ब्रश से डैब डैब कर लें या ब्लेंडर से। उसके बाद हाईलाइटर अप्लाई करूँगी और लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, और आप चाहें तो यहाँ पर न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है। और गैस मेकअप लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं लाती रहती हूँ। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसका लाभ ले सकें, उसे देख सकें। और प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरीके की देखनी है, कौन सा मेकअप लुक आपको देखना है। तो यहाँ पे ये लुक मैंने दो तरीके से दिखाया, एक मैंने थोड़ा सा अपने बालों को बना के दिखाया और दूसरा मैंने दिखा दिया बालों को खोल के। ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और ये मेकअप मैं पूरे दिन रखी थी, सेम वैसी का वैसी था। आप चाहेंगे तो आपका मेकअप पूरे दिन ऐसे रहेगा। और कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट करके जाना। और गाइस फिर से मैं कहूँगी प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, और अगर आप मेकअप सीखना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें, पार्लर जाएं, आप ऑनलाइन भी मेकअप सीख सकते हैं। तो चलती हूँ मैं, मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो का वेट करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।